ये बताइए ना कि राजकीय दर्जा मिलेगा, राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, एक आकर्षक वेतनमान मिलेगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ये महागठबंधन सरकार का संकल्प है और संपूर्ण राज्यवासियों के लिए जरूरत है। आप सभी महसूस करते होंगे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कितनी जरूरत है और गरीब मजलूम और बेबस आदमी सरकारी संस्थान में ही अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, किसी निजी संस्थान में पढ़ाने की उनकी क्षमता नहीं होती है। अब एक शिक्षक को, अगर अभ्यर्थी को शिक्षक बनना है तो जो पात्रता परीक्षा उन्होंने दी है, जैसे ट्रेनिंग किया है, सीटेट एसटीटी किया है, तो उन्होंने शिक्षक बनने की योग्यता धारण कर ली। अब जिस तरह से प्रोफेसर लोग बहाल होते हैं तो बड़े ही कठिन पढ़ाई के बाद नेट करते हैं, बड़े ही मेहनत के बाद पीएचडी करते हैं, नेट और पीएचडी करते हैं तो वो प्रोफेसर बनने के योग होते हैं, प्रोफेसर बनने के लिए दक्ष होते हैं। आपको नहीं मालूम कि आज के तारीख में बिना पीएचडी किए हुए कोई इंटाइटलमेंट नहीं रखता है जो यूजीसी का गाइडलाइन है। तो जो मतलब है, इस ढंग की चीज़ें को हवा देते हैं लोग, उनको ये समझना चाहिए कि हमें आखिर अल्टीमेटली देनी क्या है। हमें तो क्वालिटी एजुकेशन देना है ना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल करने में अगर किन्हीं को परेशानी हो रही है तो जो वर्षों से 15 साल 20 साल से लोग पढ़ा रहे हैं, ऐसे नियोजित शिक्षक अपने आप को नियोजन के दंश से अगर अलग करना चाहते हैं तो उनके नियोजन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि नियोजन की नीति है, नियोजन की नीति जो बरकरार है उसमें से नियोजित शिक्षकों को हटा तो नहीं रहे, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई अवसर पर कहा है कि हम वेतन बढ़ाने जा रहे हैं। मगर ये तो अच्छा नहीं है ना कि आप शिक्षक हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं और आप जो पढ़ाते हैं उसी कोर्स में से आपसे कुछ अगर सवाल पूछे जाते हैं और आपको लगता हो कि नहीं नहीं हम सवाल के घेरे में नहीं आए, तो ये ठीक नहीं है। आप अगर राजकर्मी का दर्जा चाहते हैं तो एक कदम आगे बढ़ने के लिए थोड़ी मेहनत करिए। ऐसा नहीं ना है कि आप बीडीओ साहब हैं, सीओ साहब हैं, या किरानी साहब हैं, या बाबू लोग हैं कि भाई आपको पढ़ाई से रिश्ता छूट गया। आप तो लगातार पढ़ाई के संपर्क में हैं, शिक्षक तो पढ़ाई के संपर्क में रहते हैं। इससे क्वालिटी एजुकेशन बेहतर हो, बेहतर ना, आप इन्हीं बताइए ना कि क्वालिटी शिक्षक बहाल होंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल होंगे तभी तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाएगी आम लोगों को। इसलिए हमारे राज्य के हित में, माता पिता के हित में, छात्रों के हित में, और फिर सबसे बड़ी चीज जो है, ज्ञान की भूमि अगर भारत है तो उसके सबसे बड़े आधार बिहार है। तो ज्ञान की भूमि बिहार है, अहिंसा की भूमि बिहार है, दुनिया को सुन का ज्ञान दे करके गणित का बोध कराने वाली धरती बिहार है। तो जो ज्ञान का परचम विरासत में हमारे यहाँ लहराता रहा है, इसके लिए चिंतित हमारे राज्य नेतृत्व हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तो इसको लोग को स्वीकार करनी चाहिए और इस बात को अनावश्यक तुल नहीं देनी चाहिए। और विरोधी का जो काम है वो अपने काम में लगे हुए हैं, वो बरगलाएंगे, भ्रम फैलाएंगे। जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, सुशील कुमार मोदी जी, उन्होंने एक अवसर पर कहा कि वेतनमान भगवान भी नहीं दे सकता है धरती पर। भाई सरकार वेतनमान देने जा रही है, आप बीजेपी के लोग कहते हो कि भगवान भी नहीं दे सकता। दिल्ली से नौकरियां गायब हो गई भारत सरकार के उपक्रमों को निजी हाथों में डाल करके। भारत सरकार के जो बड़े पैमाने पर रेल में नौकरियां दी जाती थी, अन्य जगह दो नौकरियां दी जाती थी, 2 करोड़ नौकरी का वादा था श्रीमान, 9 वर्ष में तो 18-16 करोड़ लोगों को नौकरी होनी चाहिए थी वादे के हिसाब से, तो नौकरियां कहाँ गायब है। तो जो सरकार आपको देने के लिए 10 लाख का एक पहला चरण है, 2.5 लाख के आसपास की बहाली होगी, हो सकता है ज्यादा भी हो, और 1.25 लाख के आसपास का, लगभग 1,60,000 के आसपास का स्वास्थ्य विभाग में बहाली होनी है। तो जब इतनी बहालियां एक साथ लगभग 5 लाख के आसपास, 4 लाख के आसपास सिर्फ 2 विभाग में बहाली होने जा रही है, तो आप राज्यवासी इस बात को गंभीरतापूर्वक लें और हमारे जो बेरोजगार हैं वो भी इस बात को गंभीरतापूर्वक लें। अभ्यर्थी तैयारी करें,
अब तो हमको लगता है कि शायद हर जगह से रिक्ति आ गई होगी, अब तक आ गई होगी संभव, तो हम आज ने एक ब्रीफ लिया है, आज ब्रीफ नहीं लिया है विभाग का, लेकिन जैसे ही रिक्ति आएगी विज्ञापन होगा। और खुद हमारे राज्य के मुखिया बिहार विकास के शिल्पकार इसके लिए चिंतित है, उसको खुद वो मॉनिटर कर रहे हैं। अब ये बताइए, संजीव सिंह ने भी पत्र लिखा है, कोई आदमी का बयान हम नहीं पढ़े हैं, उन्होंने क्या कहा है, बयान पढ़ेंगे तो आपका जवाब दे पाएंगे। लेकिन कोई भी जो बिहार की चिंता करेगा, वो आदमी जहां देख रहा है लाखों लोगों की बहाली होनी है, तो कौन यह नहीं चाहेगा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल हो। अगर ऐसा वो नहीं चाहते हैं तो ये चिंताजनक बात है, ये ठीक नहीं।